भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय आलोक ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अजय आलोक ने कहा कि प्रियंका गांधी को शुभकामनाएं, हालांकि उनके लिए वायनाड से चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। अगर प्रियंका गांधी गलती से जीत भी गई तो 10वीं संसद काफी दिलचस्प होने वाली है। लोकसभा में भाई बहन के बीच ज्यादा नकारा कौन है, इस पर प्रतिस्पर्धा होगी। ये समस्या कांग्रेस पार्टी की है, बीजेपी की नहीं। अजय आलोक ने आगे कहा कि राहुल गांधी वायनाड भाग खड़े हुए हैं, अब प्रियंका गांधी वायनाड संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वहां से चुनाव लड़ना प्रियंका गांधी के लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी भी उपचुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे। वायनाड का उपचुनाव रोमांचक होगा। प्रियंका गांधी को वहां से चुनाव किस इंटेंशन से लड़वाया जा रहा है, यह देखने वाली बात होगी। अगर वह चुनाव जीत भी गई तो न वापस में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर टकराव होगा, जो काफी महत्वपूर्ण होगा। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एनी राजा को 3,64,422 मतों के अंतर से करारी हार दी थी, जबकि एनी राजा को 2,83,023 वोट मिले थे। जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से राहुल गांधी 4,31,770 वोटों के रिकॉर्ड से जीते थे। बहुत अच्छा, रनवे ब्राइड मूवी देखी थी ना, हमेशा भागते रहते हैं दुल्हन, तब राहुल गांधी वायनाड से भागे, अच्छा है। प्रियंका गांधी लड़े, शुभकामनाएं। हालांकि चुनाव आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि हम भी पूरी ताकत से लड़ेंगे, कम्युनिस्ट भी लड़ेगी, हल्के मुस्लिम लीग का सपोर्ट तो नहीं को रहेगा। लेकिन अगर जीत गई गलती से तो लोकसभा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि किस इंटेंशन से उनको लड़वाया गया है। और लोकसभा में भाई बहन के बीच में कंपटीशन होगा, स्पर्धा होगी कि ज्यादा नकारा कौन है। और कांग्रेस में भी एक ऑप्शन होगा कि लीडरशिप किसको चुनना है। तो ये समस्या कांग्रेस पार्टी की, हमारी नहीं।